बरेली। जहां आज के युग में बिना दवा के लोगों का जीवन व्यतीत करना मुश्किल हुआ है और भारत सरकार भी जनता के स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान जैसी योजनाएं शुरू कर चुकी है, वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु गोविंद सिंह नगर मॉडल टाउन में पिछले कई वर्षों से चल रही दशमेश डिस्पेंसरी का कायाकल्प करके पुनः जनता की सेवा के लिए शुरू किया गया है। जहां रविवार को गुरु के चरणों में अरदास करते हुए बोले, 100 निहाल के जयकारों के साथ डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया, जो डॉ जितेंद्र पाल सिंह सेठी जेपी सेठी के नेतृत्व में चलेगी। जो IMA में मेडिकल ऑफिसर हैं और खुशलोक अस्पताल में भी अपनी सेवाएं देते हैं एवं उनकी खुद की लैब भी है। जेपी सेठी ने बताया कि डिस्पेंसरी का समय सर्दियों में प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक रहेगा, जिसमें फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी एवं फिजिशियन डॉक्टर का लाभ जनता को मिल सकेगा। यहाँ की दवाओं में प्रभु का आशीर्वाद होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि डिस्पेंसरी गुरुद्वारा से जुड़ी हुई है और निस्वार्थ स्टाफ जनता को सुविधाएं देगा। यहाँ डॉ संदीप अग्रवाल, लेडी डॉक्टर मनमीत सेठी, फिजियोथेरेपिस्ट शिवम एवं मनोज, डिस्पेंसरी के उद्घाटन में मुख्य रूप से मलिक सिंह कालदा, गुरदीप सिंह बग्गा, राजेंद्र सिंह, कर्नल बिंद्रा, राणा प्रताप सिंह, बलविंदर सिंह, मनदीप सिंह, अमनदीप सिंह सोढ़ी के साथ समूह संगत का सहयोग रहा। यह डिस्पेंसरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन की है, जहाँ पैथोलॉजी लैब, फिजियोथेरेपी सहित तमाम सुविधाओं का जनता लाभ ले सकेगी।